हेलो दोस्तों, राम राम। हम अपनी ट्रैक्टर में भी मोडिफिकेशन करने वाले हैं। क्या क्या कर रहे हैं उसे दिखाएंगे अभी। तो अपना सामान को ला चुके हैं और यहाँ पास से वायरिंग लिए हुए हैं। यहाँ कुछ इतना सामान पड़ा हुआ है और ये हमारा ट्रैक्टर है जो देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से है। और इसमें हमने अभी आके इसको काट लिया है इस पाइप को, और इसको हम अभी छोटा करने वाले हैं। उस साइड को भी अभी काट रहे हैं ग्राइंडर की सहायता से, वो देख सकते हैं। और इसमें हम जुगाड़ करके इसमें थोड़ा नट बोल्ट वाला बनाने वाले हैं, जिससे हेरने और लगाने में आसानी होगी। और आपको क्या क्या कर रहे हैं उसे दिखाते हैं। A few moments later. तो काटते काटते कुछ इतना कटा हुआ है, ये देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से। उस पार भी इतना ही कटा हुआ है, ये देख सकते हैं। और काटते काटते इसमें एक ब्लेड टूट गया, उसे भी दिखाते हैं। और इसमें कुछ थोड़ा सा ही बचा हुआ है। काटते काटते एक ब्लेड टूट गया है। देखा आपने, लापरवाही का नतीजा है। और उसके बाद आपको मिलते हैं। अपने ग्राइंडर में नया ब्लेड लगा चुके हैं और इसमें अभी कुछ इस प्रकार से काटा हुआ है। इसमें भी उस प्रकार से काटेंगे, इसमें नट लगाएंगे और आगे की जानकारी आप देखते रहें किस किस प्रकार से करेंगे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। प्रकार से बनाया हुआ है, इसमें इस पार भी होल किए हुए हैं और इस पार भी, और ये वाला यू पाइप में भी होल किए हुए हैं, ये देख सकते हैं। और उसमें भी वैसे ही किया है, इसी प्रकार से इसे लगाया हुआ है। इसे हेरने के बाद सभी हिट जाएगा और ये अच्छा पकड़ बनाए रहेगा, इसीलिए इस प्रकार से किए हैं और उस पार के भी इसे किए हैं। तो अपना यू पाइप का काम पूरी तरह से कम्प्लीट हो गया है, ये देख सकते हैं। यहाँ पास नट लगा चुके हैं और इसमें एक नट और लगाना है, और इसमें बन चुका है। और उसमें भी अभी लगाने वाले हैं। फिटिंग वाला वीडियो अगले वीडियो में आएगा, ये देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से बनाए हैं। इसे गैस वेल्डिंग में काटे हुए हैं और इसमें अभी बक्सा लगाने के लिए ये भी लगाने वाले हैं। और आने वाले वीडियो में बक्सा लगा कर भी दिखाएंगे और इसे ट्रैक्टर में भी लगाएंगे। धन्यवाद।